क्वेश्चन नंबर 26, ऑक्सीजन इज नॉट प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस बाय, नॉट बोला है, ऑक्सीजन किसमें नहीं रिलीज हो रही है जब कौन सा ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेसिस कर रहा है। तो अगर हम बात करें एक बहुत ही बढ़िया कंट्रीब्यूशन किसका था फोटोसिंथेसिस के काम में, वैन नील का। वैन नील ने काम किया था किस पर, ग्रीन एंड पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन एंड पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। तो उन्होंने जब इन बैक्टीरिया पे काम किया था तो उन्होंने ये देखा कि O2 रिलीज नहीं हो रही है इनके फोटोसिंथेसिस में, सल्फर रिलीज हो रहा है। तो ग्रीन एंड पर्पल सल्फर बैक्टीरिया के जब फोटोसिंथेसिस को स्टडी किया गया तो इनके फोटोसिंथेसिस में नो O2 रिलीज्ड। तो यहाँ पर क्या रिलीज हो रहा था, सल्फर, सल्फर वॉज रिलीज। तो इससे ये प्रूव हो गया कि जो यहाँ पर हाइड्रोजन आ रहा है वो हाइड्रोजन वाटर से नहीं आ रहा है। हाइड्रोजन क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन आगे जाके CO2 को रिड्यूस करके ग्लूकोज बनाएगा। तो यहाँ पर जो सूटेबल ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड है वो H2O नहीं है, H2S है। तो इसीलिए यहाँ पर दो चीज़ें आई, सूटेबल ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड, सूटेबल ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड इज H2S एंड नॉट H2O। एंड इसी से अल्टीमेटली ये आया, ये भी पता पड़ गया था कि जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम वाटर एंड नॉट CO2। तो ये भी उनसे प्रूव हो गया था। तो इसीलिए यहाँ पर किसके फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन रिलीज नहीं हो रही है, क्योंकि H2S यूज़ कर रहे हैं तो इनकी रिएक्शन क्या हो जाएगी, इनकी रिएक्शन कुछ ऐसी होगी, CO2 + H2S, H2O नहीं, देन ये क्या बनाएंगे, ग्लूकोस C6H12O6 एंड ऑक्सीजन ना रिलीज करके क्या रिलीज हो जाएगा, सल्फर। तो ये एक बेसिक रिएक्शन है जिसमें सूटेबल ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड H2S है, इसीलिए सल्फर आ रहा है, H2O होता तो इसीलिए ऑक्सीजन आता। तो अगर हम यहाँ पर ऑप्शन देखें तो क्या है, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, बिल्कुल सही, नॉस्टॉक एक साइनो बैक्टीरिया है, ऑक्सीजन एक फोटोसिंथेसिस करता है तो ऑक्सीजन रिलीज करेगा, साइकस, साइकस भी ऑक्सीजन रिलीज करेगा, कारा ग्रीन एल्गी ऑक्सीजन रिलीज करेगा। तो यहाँ पर ऑक्सीजन किस में नहीं बन रही है फोटोसिंथेसिस में, दैट इज ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए।